नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मॉनसून की वजह से पटना और आसपास के इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिली। ऐसी स्थिति अगले दो दिनों तक देखने को मिल सकती है। बिहार के अन्य जिलों में बारिश की सक्रियता में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन बाढ़ का कहर अभी भी बढ़प रहा है। जहाँ बिहार के उत्तरी इलाके पूरी तरह बाढ़ग्रस्त हैं, लोग अपना घर छोड़ दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो राज्य के अधिकतर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जहां आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मॉनसून की सक्रियता की वजह से बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। गंगा के साथ साथ कई अन्य नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों को फिर से एक बार डराने लगा है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज अधिकतर जिलों के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग पटना के अनुसार समुद्र के स्तर पर मॉनसून ट्रफ बीकानेर, शिवपुरी, गया, मालदा से होते हुए पूर्व में मणिपुर की ओर बढ़ रही है। आज उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का संभावना है, जिसकी वजह से बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। मॉनसून ट्रफ की वजह से बिहार के जिले भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और मुंगेर के अधिकतर जगहों पर बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 6 सितंबर के मौसम का हाल। आईएमजी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में भी आज कुछ ही जगहों पर बारिश होगी और अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो आज मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।